जी आई नो प्यारे विद्यार्थियों, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस दी इंग्लिश दी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उज द लेसन नंबर 16 प्रेसी राइटिंग। दिस लेसन दी एक्सरसाइज नंबर 5 इस वीडियो च करन जा रहे हाँ। सो तुसी वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो ते प्रेसी किवें तैयार करी दी है ते जिहड़ी प्रेसी तुहाडे लई तैयार कीती गई है वो भी तुसी अपनी नोटबुक च उतार लो। पर मगरों दी इहनू इस एक्सरसाइज नू बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। सो शुरू करिए। सो पहले असी पैराग्राफ पढ़ांगे बच्चों, ते जिहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट हैगे ने वो तुसी अंडरलाइन कर देने ने। मैं तुहाडी गाइडेंस लई पहले ही अंडरलाइन कर दिते ने। सो ए अंडरलाइन किए पॉइंट्स नूं असी फिर अलग करके लिखांगे, उहदा एक रफ खरड़ा या रफ ड्राफ्ट तैयार करांगे ते वो साडा करीब अद्धे साइज़ का बन जाएगा। ते फिर उधरों दी होर छोटा करके उहनूं एक तिहाई, मतलब कि इहदे विच पूरे पैराग्राफ विच जिहड़े हैगे ने करीब 21 लाइनां हैगियां ने। सो 21/7, 21/3, 3×7=21, 7 लाइनां का, क्योंकि एक प्रेसी जिहड़ी हुंदी है मोटे तौर पर वह साइज़ 1/3 हुंदा है ओरिजिनल जो टैक्सट लिखा हुआ है। सो बड़ी वधिया एक्सरसाइज है बच्चों, है लैंग्एज की पकड़ में मजबूत करने लई ते लैंग्एज में समझने लई लिखण लई ते दिमागी कसरत भी है बड़ी अच्छी। सो इनू जरूर तुसी सीरीयसली ए वाले जिहड़े चैप्टर्स हैगे ने प्रेसी राइटिंग दे इनू करना। सो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द डिवीजन ऑफ टाइम इंटरवल टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, अर्थात मिथियां हुई जी गतिविधियां ने उन्होंने विचला जो टाइम की वंड हैगी है उन्होंने वह प्रबंध करना, वो व्यंतबंध करनी, यह प्रक्रिया में कहा जाता है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, कि समय की वरतों किमें की जाए। तो कहते गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स अस इनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर दैन हार्डर, अर्थात जिहड़ी सुचज्जी टाइम मैनेजमेंट हैगी है वो सानू इस योग बना दिंदी है कि असी एक सियाणप नाल काम करिए बजाय इसके कि खोते वांगू काम करिए। हार्डर का मतलब होंदा है कि साडा जोर ज़्यादा लग रहा ते काम की जिहड़ी वो उत्पाद हैगा उहदी प्रोडक्टिविटी है वो घट हैगी है। सो स्मार्टर का मतलब होंदा है कि घट समय के विच घट ऊर्जा ला के घट ताकत ला के वध काम हासिल करना, यह काम होंदा है टाइम मैनेजमेंट का। है तो बच्चों मैं शिफ्ट नौकरी की है तो साड़ी शिफ्ट की नौकरी तो सारी चलती ही टाइम मैनेजमेंट के उत्ते हैगी कि थोड़े समय के विच तुसी वध तो वध काम नूं किवें सर करना है। सो इन सो दैट यू कैन गैट सो दैट यू गैट मोर आउटपुट, आउटपुट होंदा है मतलब कि जिदा कह लो कि रिटर्न आया, मतलब तुसी अपना समा लाया अपनी ताकत लाई है पैसा लाया तो उत्तों प्राप्ति की हुई है, वो प्राप्ति वे अनुपात में होनी चाहिए। यह ना हो कि जोर ज़्यादा लगे समा ज़्यादा लगे खर्चा ज़्यादा हो कमाई जी घट हो। सो ए समय का जोड़ा मैनेजमेंट हैगी होंगे टू गैट मोर आउटपुट विद लैस इनपुट, कि समा घट लगा जोर घट लगा तो प्राप्ति ज़्यादा हुई एंड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, भी समा भी घट लग्या। तो कहते इन एबिलिटी टू मैनेज वंस टाइम वैल, भी अपने समय में सही तरह वर्तन की जो अयोग्यता हैगी इन एबिलिटी बने असमर्था, जे असी इस योग नहीं है कि अस अपने समय की इस वरतों ठीक तरह नहीं करते, इट लीड्स टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होंगी है पैदावार, मतलब जो जो उत्पत्ति हैगी है, जो मतलब कि जिदा एक जिमीदार खेत में मेहनत करके कोई फसल पैदा करता है तो जो समय के नाल जिदा गुरबाणी चाहते ना हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए, जो वत्तर पैण ते समय सिर अपनी गोडी ना करे पानी ना दे वाड़ ना लावे नदीन ना पट्टे, इन्हां चीज़ों का ख्याल ना रखे समय सिर। सो समय में ठीक तरह मतलब कि वो वरतों ना करे तो वो प्रोडक्टिविटी घट जाती है एंड आलसो कॉजिज स्ट्रेस, तो वो फिर तनाव भी वध है खिजी भी वधदी है भी समा थोड़ा रह गया कते काम पूरा होया नहीं। ऑन दी अदर हैंड, तो दूजे बन्ने इफ वन मैनेजिज वंस टाइम प्रॉपरली, अगर कोई बंदा सुचज्जे ढंग ना अपने समय की वरतों करता है वन कैन अचीव इंपॉर्टेंट करियर एंड लाइफ गोल्स विद ग्रेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ये बंदा अपनी जिंदगी दे जिहड़े निशाने ने या अपनी नौकरी दे कम कर दे निशाने ने उन्होंने सर कर सकता है प्राप्त कर सकता है विद अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, तो वो गुणवत्ता भी जी है वो भी उस भी सुधार आएगा। तो कहते दिस लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर प्रोफेसनल रिपूटेशन, ये जी कि जी सोभा हैगी है वो भी वही है कि बंदा भी कम कार बड़ा वधिया है समय सिर कम पूरा कर दिता है तो कम बड़ा वधिया करता है, वो फिर बंदे की ना हर जगह फैल जाता है हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है। मैं अर्थ करी जा रहा हूँ तुम देखोगे सारी गलों असं कि समूह के छोटा करके करा, यही प्रेसी की यही कला हैगी ठीक है। फिर कहते अ 24 आवर डे,
ਮਤਲਬ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਚੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਹਾਊਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੰਵਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆ 24 ਆਵਰ ਡੇ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਫੋਰ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਫੋਰ ਅਦਰਸ ਇਟ ਮੇ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਮਿਸ ਡੈਡਲਾਈਨਸ। ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ। ਅਤੇ ਮਿਸ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਟ ਆਫ 24 ਆਵਰ ਡੇ, ਵਨ ਮਸਟ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਤ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਵਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਮਸਟ ਆਲਸੋ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਸਿਰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਟਾਸਕ। ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚੈਕਿੰਗ ਈਮੇਲਸ, ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਅਰਜੈਂਟ ਨੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ, ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਨ ਕੈਨ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼, ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, 48 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਵਨ ਕੈਨ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਐਵਰੀ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਡੂ ਇਟ ਨਾਓ, ਬਲੀ ਹੁਣੀ ਕਰੋ, ਡੂ ਇਟ ਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਐਟ ਆਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਐਟ ਆਲ, ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ
घट तो घट 1 घंटे की वर्जिश करनी ताकि थोड़ा शरीर नरवा रहे, तुसी घट तो घट बीमार होवो ताकि थोड़ी पढ़ाई का हर्जा ना हो, तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो थोड़ा दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। सो यह 2 गल्लां ते तुसी ध्यान अपना जे दवोगे तो सारी जिंदगी जी थोड़ी है वो ठीक रहेगी। मैंने याद है जब मर्चेंट नेवी के पेपर देने से एंट्रेंस पेपर, मैं 1 साल तक सारे अपने उम्मीद कहते मैं किसी के ब्याह शादी पर नहीं जावगा, तो मैं सिर्फ रोज़ के करीब 10 घंटे मैं 8-9 महीने से लगातार मैं पढ़ता सगा। पता नहीं किन्ने सवाल मैं उदो हज़ारों की गिनती सवाल मैं हल किए होने, तो उन्हें फिर वो मैं क्लीयर हो गया। सो तरीका तो यही है, सदियों तो यही असूल चलता आ रहा है कि मेहनत के नाल ही सफलता की जोड़े ताला खुलता है, वो मेहनत सफलता की कुंजी हो, एवं नहीं किया हो सारे ने, बिल्कुल ठीक है। सो यह गल्ला बच्चों तुम्हें मैं कह रहा कि तुम भी इन्होंने गलों तो प्रेरणा लैके अपना निशाना बना के तुम पढ़ाई करो, जेड़े बाकी काम आए हैं फालतू के उन्होंने लांबे रख दो, फिर कर लेंगे है ना, 2 साल बाद 4 साल बाद फिर कर लेंगे। सो कहते एवरी इंडिविजुअल हैज अ पर्टिकुलर बेस्ट टाइम ऑफ द डे व्हेन इट परसन फील्स फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। तो दूजी गल, एक समा ऐसा होंगे वो बच्चे सवेर वो समा होंगे सवेर का, पर असी हम नवी पीढ़ी उल्टा काम करती पी है, राती जागती है जो साड़ी एफिशिएंसी घट जाती है तो सवेरे वो लेट उठते हैं। होना यह चाहिए है कि असी राती समय सिर सौ जाइए तो सवेरे छेती उठिए, असी तरोताज़ा होंने, शांति होंगी है, तो असी ज़्यादा वधिया ढंग नाल पढ़ सकते हैं। सो वन शुड स्कैड्यूल वनस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग वर्क फॉर दैट पीरियड। सो जिले साड़ी एफिशिएंसी साड़ी शरीर मतलब कि हाले थकिया नहीं हुंदा, दिमाग भी ताज़ा हुंदा है, उस वेले सब तो औखे काम जिहड़े ने उस वेले करने चाहिए ने, महत्वपूर्ण काम भी उस वेले करने चाहिए ने। अवॉयड मल्टीटास्किंग, ते मतलब कि यह नहीं कि नाल हेडफोन भी लाए हुए हैं, नाल होमवर्क भी चलता पाया, नाल इधर भी गल्लां करी जा रहे हैं, मतलब 2-3 कम 4 कम कट्ठे लगातार नहीं करने चाहिए, उन्होंने नाल सट लगन का भी डर हुंदा है, काम भी बिगड़ता है, तो कोई काम दाना सिरे नहीं चढ़ता। मल्टी टास्किंग उन्होंने कहते हैं, रादर गो फॉर सिमिलर टास्क कंजेकटिवली टू अचीव परफेक्शन। संपूर्णता प्राप्त करने लिए इको किस्म के काम एक तो बाद एक नाल दे नाल निपटा लेने चाहिए ने। दिस विल लीड टू सेविंग टाइम फॉर अदर टास्क, ये नाल दूजे होर काम करने लिए समा बचेगा। स्टे काम, अपने आप मतलब बेचैन होने तो बचाना है, काले नहीं पैना, शांत रहना है, कीप योर वर्क प्लेस फ्री ऑफ क्लटर, तो जिते तुम काम करते हो उत्थे खलारा नहीं होना चाहिए, ऐ ना हो कभी पेन गुआचया होया, कभी फुट्टा गुआचया होया, कभी फलाना कागज गुआच गया, उत्थे खलारा इन्ना पिया कि तुम चीजें लभदे रहिंदे हो। सो वो जिहड़ा जिथे काम करने वाली थां है वो उत्थे खलारा क्लटर होंदा है, खलारा उत्थे कूड़ कबाड़ नहीं होना चाहिए। टेक अ ब्रेक, विच ब्रेक लेनी चाहिए है, जो बैठने वाला काम है तो हर 30-40 मिनट बाद खड़े होकर वरांडे के छत के उत्ते कितना कितने गेड़ा लाना चाहिए 5-7 मिनट का, हत्थों उत्ते थोड़ा माड़ा पीटी पुटी कर लेनी चाहिए है। तो फिर दूजी बार रिव्यू वट हैज़ बीन डन, तो नाले उसकी पड़चोल करो कि मैं हाल तक की काम किया पिछले 2 घंटिया 4 घंटिया, बई जिदा मैं सोचा सी उदा काम चलता पाया नहीं चलता पाया, एंड रिवाइज द प्लान इफ रिक्वायर्ड, जे लोड़ पवे तो उस व्यूंतबंदी विच प्लान विच कोई ना कोई तब्दीली जी है वो ले आनी चाहिए है। कीप मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, पड़ा दर पड़ा अगे अगे वधदे रहो, निराश ना होवो, इदां ही बंदा तजर्बे नाल सीखता है। हुण बच्चे देखो बड़ा वधिया सी, मैं प्रेसी दे नाल नाल तुहानूं अपने जीवन दियां तजर्बे चों ते इस चीज़ चों सीखने वाली गल्लां भी तुहाडे कर दित्तियां है, और यह गल्लां ते बच्चों सारियां दे कम आने वालियां हैगियां ने, इस करके मैं विस्तार दे नाल यह गल्लां दे अर्थ तुहानूं दस्से ने। आओ हुण असीं इह करदे हां प्रेसी दी तैयारी, यह बन गया बच्चों साडा जिहड़ा मैं अंडरलाइन कीता सीगा उन्होंने मैं अलग अलग रंग दे दिते ने, तो इदा साडा एक रफ ड्राफ्ट तैयार हो गया जो करीब ओरिजिनल जो लिखत हैगी है वह अद्धा है। हूँ असी इन छोटा करना है ताकि ओरिजिनल का साडा मूल का एक तिहाई बन जाए, तो करीब 7 लाइना भी साडा तैयार होगा। सो तुसी अपने मूहरे किताब वाला भी रखना है, खरड़ा भी रखना है, तो फिर जो प्रेसी तैयार होगी जो अपनी नोटबुक रखोगे उन्होंने सामने रखना है, तो फिर तुसी तुलना करनी है कि प्रेसी किदां तैयार की गई है। यह देखो यदा सिरलेख आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो इन कहोंगे टाइम मैनेजमेंट मीनस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम अवेलेबल टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो करीब 4 जड़ियां लाइना सगियां वो असी 2 लाइना कर दतियां, कि यदा मतलब प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, टाइम अवेलेबल जोड़ा है, तो एफिशिएंसी ते प्रोडक्टिविटी नूं सुधारन लई। फिर गुड टाइम मैनेजमेंट इनवॉल्वस ये की आता है, अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शनस एंड मल्टी टास्किंग, ये जिहड़ी बेलोड़ी चीज़ां ने उन्होंने बचना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन तो बचना, मल्टी टास्किंग एक टाइम च एक तो वध काम नहीं करना, तो इट आलसो डिमांड्स कैटेगराइजिंग, तो एक भी मंग करता है कि कमां की वंड की जाए, कैटेगराइजिंग स्कैड्यूलिंग कि किहड़ा काम, एक तो कैटेगराइजेशन करना है, तो दूजी बार स्कैड्यूल होना कि उन्होंने मिथना है कि इन्ने बजे यह करना है
कल ए करना है, परसों ए करना है, शामी ए करना है, दोपहरे ए करना है, सवेरे ए करना है, उन्होंने कहने स्केड्यूलिंग। तो प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग होंगे कि अर्जेंट कहड़ा है, हूँ ही करने वाला कहड़ा है, तो मगरों की करने वाला कहड़ा है, तो ना करने वाले कहड़े ने। फिर डी कलटरिंग द वर्कप्लेस, जिथे काम वाली थां है उन्होंने साफ सुथरा रखना, स्टेइंग काम, शांत चित रहना, बेचैनी तो बचना, टेकिंग ब्रेक्स, विच विच जिदा मैं क्या है, जे बैठने वाला काम है तो 40-50 मिनट बाद उठ के गेड़ा लाना, ठीक है। एंड रिव्यूइंग एंड डूइंग अ नीड बेस्ड रिविजन, तो रिव्यू करना, तो लोड़ के आधार पर वो कोई सुधार करना, कोई तब्दीली करनी। ऑफ द प्लैन आर आलसो इसेंशियल, यह भी गल्लां जरूरी हैं। हुण देखो सारिया गल्लां इन्नी विस्तार च लिखिया सी, व्याख्या हटा के ये सारी गल्लां आ गई। फिर कहते ऑल दिस, यह सारी उपरली जिहड़ी गल हैगी है प्रक्रिया हैल्प्स, मदद करती है वर्क स्मार्टर, ये इन्ना सानू असी ज़्यादा स्मार्ट एक सियाने बंदे वांगू कम करन नू सानू मदद करती है। एंड अचीव लाइफ गोल्स, जिंदगी दे निशाने सर करन च मदद करती है, विद बैटर वर्क क्वालिटी, तो उन्हें कम की जी गुणवत्ता भी वधदी है। एंड इवेंचुअल, इवेंचुअल मैंने ओड़क अखीर नू, प्रोफेसनल रिपूटेशन, किते की जो साड़ी एक मशहूरी है, किते का जो साड़ा नाँ हैगा कि यह बंदा फलाना बड़ा वधिया डॉक्टर हैगा, बड़ा वधिया इंजीनियर हैगा, बड़े वधिया मैनेजर हैगा, बड़ा वधिया आर्कीटेक्ट हैगा, बड़ा वधिया पलंबर हैगा, बड़ा वधिया यू नो जो भी है। सो जिहड़ा भी उहदा काम हैगा उहदे प्रति उहदा एक जिहड़ा नाँ जिहड़ा है वह बन जाता है। यह सारे गल्लां हुंदियां जे बंदा टाइम मैनेजमेंट की कला सीख लवे। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी एक्सरसाइज 5 जिहदे विच असीं टाइम मैनेजमेंट से रिलेख वाली प्रैसी तैयार की है। सो तुसीं इसी तरह नेम दे नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, रब रखा, थैंक यू वेरी मच।